सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वाटिका से निकाला जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय की 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। हमारे साथ बाइबल खोल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल है तो उसका 5वां नंबर पेज खोल लीजिए, वहीं पर मिल जाएगा आपको उत्पत्ति 3 का 22 से लेकर 24 तक। वाटिका से निकाला जाना बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है, और इसी घटना की वजह से आज हम और आप है वो दुख भोग रहे हैं, सारी सृष्टि है वो दुख भोग रही है। 22वें आयत में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से हर एक के समान हो गया है। दोबारा से ध्यान से सुनिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से हर एक के समान हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहोवा परमेश्वर के आसपास और भी परमेश्वर खड़े हैं जिनसे कि वो कह रहा है कि हम में से हर एक के समान हो गया है, और इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि क्या और भी बहुत सारे यहाँ पर है वो परमेश्वर खड़े थे जिनसे कि यहोवा परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे परमेश्वर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर परमेश्वर है अपने स्वर्ग दूतों से बातचीत कर रहा है। स्वर्ग दूत है जो पावरफुल है ऊपर, जो परमेश्वर के सारे सिस्टम को संभालते हैं। वो हम भी जब स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। उनसे कह रहा है कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में के एक के समान हो गया, हम में से एक के समान हो गया, स्वर्ग दूतों के तुल्य है वो हो गया है, और बड़ा इंसान बन गया है, बड़ा मनसुख जिसमें बुद्धि का विकास हो गया है, सोचने समझे कि उसके अंदर पावर आ गई है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है। और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वह है हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले। तो यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मैं उसका के भरोसा भाई, जब सांप की बात मान के नहीं, जो सांप कुछ नहीं है, धरती पर रेंगने वाला प्राणी है, उस स्त्री ने जिसको मैंने समझदार समझा था, उसने उसका बकाना पे और इसका फल तोड़ के खा लिया, और इसी वाटिका का मैं आपका जीवन का पेड़ भी लगा रखा है। जे किसी और का बकाना पे इसने जे जीवन का फल खा लिया तो कदे मरेगा कौन, ये तो अमर हो जाएगा, तो ये तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा इंसान। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, और इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया है, और कि वह भूमि पर खेती करे और जिससे वह बनाया गया है, और उसी भूमि पर खेती करे जिस भूमि से वो बनाया गया है, उस मिट्टी पर खेती करे जिस मिट्टी पर वो, जिस मिट्टी से वो बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूपों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया है। आदम को तो अदन की वाटिका से निकाल ही दिया है, इसके साथ साथ जो जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में है उसके चारों ओर भी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी का प्रबंध है वो परमेश्वर ने कर दिया है, ताकि कहीं गलती से भी कोई इंसान उधर जाके उसका पेड़ खाकर सदा के लिए अमर न बन जाए। तो आज की इस छोटे से वीडियो में इतना ही बताना था आपको वाटिका से निकाला जाने के बारे में, जो कि हमने पढ़ा उत्पत्ति तीसरा अध्याय की 22 से लेकर 24वें, तीन ही हमने पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात से नाराज होकर कि हव्वा ने सांप के बहकाने से है वो उस भले और बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष का पेड़ खा लिया, जिसकी वजह से उनको अच्छे और बुरे में भेदभाव समझ में आ गया। तो यहीं पर यह परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में चर्चा करते अपने स्वर्गदूतों से कि इस वृक्ष को खाने के बाद, इस पेड़ को खाने के बाद है मनुष्य है हमारे और तुम्हारे तुल्य हो गया है, इसमें सोचने समझने की पावर आ गई है, इसलिए मैं इसको इस वाटिका से निकाल देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस वाटिका के अंदर रहते हुए ये जीवन के वृक्ष को भी खा ले जो कि इसी वाटिका में है, और वो खाकर सदा काल तक के लिए जीवित रहे, और यहाँ से निकलने के बाद ये अपना भोजन पानी का प्रबंध खुद करे, उसी जमीन पर खेती करे जिससे कि ये बनाया गया है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही,
परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की।